हर किसी की तमन्ना रहती है कि सियाहती मकाम गुलमर्ग जो है यानी दुनिया भर में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसकी नज़रें हर किसी की नज़र में रहता है और हर किसी की तमन्ना होता है कि गुलमर्ग हम जाए और वो भी जब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो और न्यू ईयर की आमद हो। तो आप इस वादी में आए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सवाल? कश्मीर तो जन्नत है, सबको मालूम है, और न्यू ईयर जैसे मौके पे इतनी खूबसूरत जगह होना ही एक बहुत बहुत प्यारी बहुत अच्छी बात है। बट और मैं साथ में परफॉर्मेंस भी दे चुकी हूँ तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन लोगों को मज़ा आया और उससे लेकर मैं खुश। तो मैम, इससे हट के एक सवाल, हमने सुना है कि आपका ताल्लुक जो कश्मीर से रहा है, कश्मीरी भी आप बोलते हैं, तो कहाँ रहते थे आप, कब से आप कश्मीर में, किस तरह आपका जन्म हुआ, कैसे आप फिर बाहर गए, कहाँ कहाँ आप घूमने गए? मेरा जन्म कश्मीर में ललदद हॉस्पिटल में हुआ, जैसे सबका होता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रही, मैं करीब तीन साढ़े तीन साल की थी जब हम निकल गए 90 के पलायन के समय। मगर कश्मीर में हमारा घर कनीपुरा में हुआ करता था, तो वहाँ की यादें तो मुझे इतनी नहीं हैं क्योंकि मैं इतना रिकॉल नहीं कर पाती एज अ टॉडलर, मेरे भाई को है, मुझे नहीं है। मगर मैं वापस बहुत बार आई हूँ, बहुत बार उसे रिविज़िट किया है, नई यादें बनाई हैं और अपने संगीत से कश्मीर के साथ अपना नाता जोड़ के रखा है। मैम, आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के साथ आपका नाता है, आपके दिल्ली लगाव रहा है, तो अभी आप कैसे देखते हैं कि यहाँ के जो हमारा टैलेंट है कश्मीर का, क्योंकि हर कोई तारीफ़ करता है कि यहाँ का एक अच्छा टैलेंट है, तो उसको कैसे देखते हैं, किस तरह की ज़रूरत है कि हमारी जो लड़कियाँ यहाँ पर हैं वो आपकी तरह आगे बढ़ें और वो अपने टैलेंट को निखारें? जी, बहुत अच्छी बात आपने की, स्पेशली लड़कियों को लेके भी कहना चाहूँगी कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है और ये जेंडर बेस्ड नहीं है, लड़का लड़की सब में टैलेंट है, लेकिन लड़कियों को और आगे आने की बहुत ज़रूरत है, जितनी अभी रहती हैं उससे ज़्यादा। तो मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ कि लड़कियाँ कश्मीर की किसी से कम नहीं हैं और हमारी विमेन आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, कश्मीरी विमेन आर्टिस्टिक, एंटरप्राइजिंग, वेरी वेरी क्रिएटिव एंड गुड इन ऑल फील्ड्स। सो और एक्सेल होना चाहिए, कश्मीर हैज़ सो मच पोटेंशियल, पीपल हैव सो मच पोटेंशियल, एंड 2024 मे दिस बी एवरी योर ईयर, मे दिस बी कश्मीर ईयर, मे दिस बी अ ब्यूटिफुल ईयर, एंड मे इट देर बी पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस इन द वैली। थैंक यू मैम। नाज़रीन, ये थी अबा हंजूरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो टैलेंट लेकर आगे बढ़े और आसमान में बुलंदियों को छू लें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रम।